तो आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक छोटा सा टॉपिक। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपका पोलर से रेक्टेंगुलर कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड रेक्टेंगुलर से पोलर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये जो मेन टॉपिक है, ये टॉपिक से मैक्सिमम जितना भी जेई एंड एई का एग्जाम होता है इलेक्ट्रिकल का, सब एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग अच्छा से देखिए। एंड मेरा जो इनर वन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है पीजीसीएल का, उसको जाकर आप लोग जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कीजिएगा, मिल जाएगा वहां पर। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री अपलोड है एंड पार्ट फोर इसके बाद अपलोड हो जाएगा एंड वो आपका फाइनल पार्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या पोलर से रेक्टेंगुलर कैसे होता है एंड रेक्टेंगुलर से पोलर कैसे होता है एंड पोलर फॉर्म क्या होता है एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है। तो देखिए पहले पोलर फॉर्म क्या होता है हम बता देते, फिर आप लोगों को बता देंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है। उसके बाद क्या बताएंगे पोलर से रेक्टेंगुलर कैसे होता है एंड एग्जाम विथ एग्जाम्पल। तो पोलर फॉर्म होता है आपका आर एट एन एंगल थीटा एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है आपका ए प्लस जे इंटू बी। ऐसे आप लोगों को फॉर्म दिया हुआ रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आप लोगों के पास, पोलर से रेक्टेंगुलर कैसे करेंगे, पोलर से रेक्टेंगुलर कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन के सहारे ये जो क्वेश्चन पहला प्रॉब्लम है हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पोलर से रेक्टेंगुलर जाने में क्या करना पड़ेगा एंड रेक्टेंगुलर से पोलर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए पोलर फॉर्म अगर ऐसे दिया हुआ रहता है आर एट एन एंगल थीटा, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप लोगों को जाने के लिए ये फॉर्मूला आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है अगर पोलर से रेक्टेंगुलर जब बोलेगा। ठीक है, फिर हम लोग बताएंगे रेक्टेंगुलर से पोलर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। मानिए एक एग्जांपल है 20 एट एन एंगल 60 डिग्री, तो ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म से हम लोगों को करने के लिए बोला है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो क्या करेंगे, 20 मेरा क्या हम बता दिया आर, थीटा मेरा क्या है 60 डिग्री, तो आर की जगह क्या बैठाएंगे 20, देखिए 20, फिर कॉस थीटा की जगह क्या बैठाएंगे 60 डिग्री, फिर जे आर की जगह क्या बैठाएंगे 20, थीटा की जगह क्या बैठाएंगे 60 डिग्री। फिर देखिए क्या होता है, वैल्यू याद रखना है 20 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 2 1/2 एंड 20 साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2। ठीक है, तो क्या होगा देखिए 2 से अगर 20 को काटेंगे तो आएगा 10 प्लस, अगर 2 से इसको काटेंगे 2 10 जा 10√3 कितना होता है आपका 10√3 होता है आपका, 10√3 का वैल्यू शायद 17.33 ऐसे कुछ होता है, 10√3 का आपका वैल्यू होता है 17.33। ठीक है, इसका वैल्यू होगा 17.33। ये इजी कैलकुलेशन है क्योंकि √3 का वैल्यू आप लोगों को याद रहता है, √3 का वैल्यू है 1.732, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं इससे ज्यादा। तो क्या होगा 10 प्लस जे इंटू 17.33। तो ये आपका क्या फॉर्म दिया था, ये आपका दिया था पोलर एंड आंसर किसमें निकल के आया रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसे आप लोग बता सकते, देखिए ए मीन्स क्या 10, फिर देखिए जे है, फिर यहाँ पर भी जे है, फिर देखिए बी, बी मतलब क्या, बी है आपका 17.33। ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका है पोलर से रेक्टेंगुलर कैसे हम लोग जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या हम लोग करेंगे, रेक्टेंगुलर से पोलर। मेन आप लोगों को याद रखना है ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है पोलर से अगर रेक्टेंगुलर आप लोगों को जाना है। ठीक है, ये मैक्सिमम एग्जाम में आता है, आप लोग जरूर अच्छे से ये प्रैक्टिस करके जाएंगे, नहीं तो भूल जाता है बीच बीच में। ठीक है, तो पोलर से अगर रेक्टेंगुलर जाएंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट होगा आपका, रेक्टेंगुलर से अगर पोलर में जाएंगे तो क्या फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। तो रेक्टेंगुलर मतलब ये वाला फॉर्म ए प्लस जे बी, फिर रेक्टेंगुलर से पोलर में जाएंगे मतलब ऐसे फॉर्म आप लोगों को दिया हुआ रहेगा एंड ये मतलब आर एट एन एंगल थीटा फॉर्म में आप लोगों को लाना है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले तो देख लीजिए रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या बोले हम, ए प्लस जे बी, पहले कंडीशन में क्या था पोलर से हम लोग जा रहे थे रेक्टेंगुलर। ठीक, और आपका पोलर फॉर्म क्या है आर एट एन एंगल थीटा, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे आर एट एन एंगल थीटा, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर से जाएंगे पोलर। तो मानिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 5.2, ए का वैल्यू है 5.2 प्लस जे 3, ये आप लोगों को दिया हुआ है, ये फॉर्म क्या है रेक्टेंगुलर फॉर्म, और आप लोगों को करना है क्या पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में मतलब आर एट एन एंगल थीटा। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे देखिए, तो ये इजी है, पहले तो R निकालने पड़ेगा, तो R निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे एंड थीटा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए R निकालने के लिए क्या करना है आप लोगों को, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप लोगों को याद रखना है, पहला इससे निकल जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से R। नेक्स्ट थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा का वैल्यू आप लोगों को याद रखना है टैन इनवर्स
बी अपॉन ए, ठीक है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूला अगर आप लोग याद रखेंगे तो रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। और पोलर से रेक्टेंगुलर क्या बोले, आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, एंड ये आपका रेक्टेंगुलर से पोलर, आर का वैल्यू निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पर क्या है 5.2, बी क्या है 3। तो चलिए आर निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 5.2 होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू है 3 होल स्क्वायर। 5.2 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा आपका, लगभग 27.04 प्लस 3 स्क्वायर 9, ठीक है। तो 27 से अगर 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, लगभग आपका 36 या 36.04, 36 हम लिखते हैं, ठीक है। तो 36 का रूट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा आर का, आर का वैल्यू आएगा आपका 6। तो आर का वैल्यू आप लोगों को मिल गया, आर का वैल्यू क्या है 6। नेक्स्ट की क्या वैल्यू निकालना है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, मतलब थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन इनवर्स बी का वैल्यू क्या है, बी है आपका 3 एंड ए है 5.2, ए है 5.2, तो बी अपॉन ए ऐसे निकाल गया, ठीक है। ये आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, या ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट नहीं भी दे सकता है, इजी भी दे सकता है, किसी किसी एग्जाम में डिफिकल्ट भी दे सकता है, क्योंकि इजी है, प्रोसेस वेरी इजी है, लेकिन कैलकुलेशन आप लोगों को ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए आप लोगों को दे देता है ऐसे ऐसे वैल्यू, ठीक है। तो 3/5.2 इसको करेंगे तो लगभग आप लोगों को आ जाएगा थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो देखिए कैसे आर का वैल्यू निकल गया 6 एंड थीटा का वैल्यू निकल गया 30 डिग्री। तो मेरा दिया क्या था, मेरा एक रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया था, उससे हम लोग पोलर फॉर्म हम लोग इजीली निकाल लिया। तो मेरा आंसर क्या होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म था 5.2 प्लस जे 3, तो पोलर फॉर्म मेरा हो गया 6 एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए। तो देखिए पहले आर एट एन एंगल 30 का प्रोसेस में ये क्वेश्चन दिए थे हम लोग, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन से आंसर मेरा क्या निकला, ये वाला आंसर निकल गया। और इसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्वेश्चन क्या वाला, ये वाला था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था आपका, ये वाला क्वेश्चन था ये वाला, और इससे आंसर कैसे निकल गया 6 एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला क्या क्या याद रखना है, एक तो पहला पोलर से रेक्टेंगुलर करना है तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एंड रेक्टेंगुलर से पोलर अगर करना है तो ये दो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, वेरी इजी है। एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप लोग दो चार बार घर में प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजीली हो जाएगा। एक बार आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से हम समझा दिए कैसे क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा है, तो जरूर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसी और इंटरेस्टिंग छोटा छोटा टॉपिक के लिए वीडियो लाएंगे हम, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सब मिलते रहेगा इस चैनल में। कोई टेंशन नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल का कैंडिडेट है तो ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं जरूर, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप लोग। और तो मेरा जो दूसरा चैनल है लर्न विद प्रणोय, उसमें आप लोग जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और उस चैनल को देख सकते हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।